सावधान हो जाएं भारत के दुश्मन। ये सीधी चुनौती है, सीधी वार्निंग है भारत के दुश्मन देशों को। हम बात कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान की। भारत के साथ वो सब मिल गए हैं जो चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म कर लेना चाहते हैं। भारत के साथ वो सारे देश आ गए हैं जो चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। भारत के साथ पहले से ही दोस्त देशों की लिस्ट लंबी है, उस लिस्ट में अब फ्रांस का नाम भी शामिल हो गया है। फ्रांस ने एक के बाद एक अपने राफेल विमान भारत को देकर इसके पक्के सबूत भी दे दिए हैं। बुधवार की शाम फ्रांस से 3 और राफेल विमान भारत पहुंच गए। फ्रांस से निकले 3 राफेल लड़ाकू विमान बुधवार रात भारत पहुंचे। जब ये भारत पहुंचे तो इन्हें गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतारा गया। ये लड़ाकू विमान अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। इन 3 राफेल के भारत आते ही अब हमारे पास 14 ऐसे लड़ाकू विमान हो गए हैं। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों लड़ाकू विमान यूएई के रास्ते भारत पहुंचे। रास्ते में यूएई एयरफोर्स की मदद से राफेल विमानों में हवा में ही ईंधन भरा गया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अप्रैल में ही फ्रांस से 7 से 8 राफेल और आने वाले हैं, यानी अगले कुछ दिनों में ही हमारे पास 10 से ज़्यादा राफेल लड़ाकू विमान और होंगे। इसके बाद हमारे पास राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या 21 के आसपास पहुंच जाएगी। अभी लड़ाकू विमान अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा है। आपको बता दें, आज जो 3 विमान आए हैं ये भी अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि जो राफेल लड़ाकू विमान बुधवार को भारत पहुंचे वो M88-3 सैफरन के डबल इंजन से युक्त हैं, जिनमें स्मार्ट वेपन सिस्टम लगाया गया है जो दुश्मन को मिट्टी में मिला सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जब चीन के साथ सीमा पर तनातनी जारी थी, उस दौरान भी इन्हीं राफेल लड़ाकू विमानों ने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया था। उस दौरान ये राफेल विमान आसमान में गरजे थे और चीनी सैनिकों को खूब डराया था। उसका परिणाम दुनिया जानती है। आखिर में हाल ही में चीनी सेना को सीमा से पीछे हटना पड़ा। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई अगस्त में भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो गए थे। पहले इन्हें फ्रांस में ही रिसीव किया गया, फिर ट्रेनिंग के बाद ये भारत आए। भारत आते ही राफेल लड़ाकू विमान अपने मिशन पर लग गए थे। पिछले साल जब लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव चल रहा था, तब राफेल लड़ाकू विमानों ने लेह लद्दाख के आसमान में अपना जलवा दिखाया था। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत को फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान मिलने हैं, जिनका समझौता साल 2016 में हुआ था। 2020 में इन विमानों की डिलीवरी शुरू हुई और 2022 के अंत तक सभी 36 विमान भारत को मिल जाएंगे। भारत के लिए फ्रांस की दोस्ती का पहला सबूत हमने अब तक आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं, फ्रांस ने एक और बड़ा सबूत दिया है। वो ये है कि फ्रांस क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करेगा। इसका मतलब साफ है, जल में, थल में और वायु में तीनों ही जगह भारत के साथ ऐसे देश आ गए हैं जिनके सामने किसी भी देश का टिक पाना नामुमकिन है। इन सभी देशों के साथ आते ही चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश जो भारत के लिए नापाक इरादे रखते हैं, उनका अब ज्यादा टिक पाना भारत के सामने मुश्किल ही नजर आता है। भारत अब एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। जैसे दोस्त होते हैं जैसी संगत होती है और वैसी ही रंगत होती है, तो शक्तिशाली देशों का साथ पाकर भारत भी पहले से और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। और ऐसे में चीन और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, भारत कमज़ोर देश नहीं है और ऐसी गलतफहमी को जितना जल्दी हो चीन दूर कर ले। आपको बता दें कि क्वाड 4 देशों का समूह है जो इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन इलाके में हो रही हर गतिविधि पर नज़र रखने की बात करते हैं। चीन के खिलाफ इन चारों देशों ने एक गुट बना लिया है। ये ऐसा गुट है जिसमें चीन को रोकने के लिए हर कोशिश की जाएगी। हाल ही में हुई मीटिंग में भी इसी पर चर्चा की गई थी और चारों देशों ने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत ने मिलकर कई सारी रणनीतियों पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिस पर चीन लगातार बिलबिला रहा है, तिलमिलाया हुआ है और चीन लगातार आरोप लगा रहा है कि ये चारों देश मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन सच्चाई सभी को पता है कि षड्यंत्र और नापाक हरकतें कौन करता है, वो देश है चीन और कोई नहीं। ऐसे में इन सभी देशों का साथ में आना चीन को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।